हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के लिए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। तो आज हम एक पर्सनैलिटी के बारे में, जो है वो अनस्टेबल, एक नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। और इस पर्सनैलिटी को हम दुनिया में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। हर इंसान एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है। हर इंसान की शख्सियत जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, मगर कुछ पर्सनैलिटीज़ हमारे इर्द गिर्द इस तरह की होती हैं, कुछ शख्सियात इस तरह की होती हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कि पैदाइशी तौर पे या बचपन से ही उनके अंदर जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है वो होती है उनके अंदर। यानी साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब लोग जो हैं वो होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही इस तरह से बनी हुई होती है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी उन पर्सनैलिटीज़ में से एक पर्सनैलिटी है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले लोग जो हैं उनमें किस तरह की अलामत पाई जाती हैं, हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ हम सब रह रहे होते हैं या हमें रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनमें से एक पार्टनर जो होता है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ होता है, यानी शख्सियत उसकी इस तरह की होती है, और दूसरा पार्टनर जो है वो उसको उन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके साथ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से समटाइम्स ताल्लुक एक बीमार ताल्लुक बन के सारी ज़िंदगी जो रह जाता है, या फिर ताल्लुक ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, अगर वो लोग जो कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म के इस तरह के मसले में हैं कि उनका एक पार्टनर जो है, स्पाउस जो है, वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का जो है वो शिकार है, तो वो उसके साथ रह कैसे सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करना, इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें हमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यानी जज्बाती जो है वो जज्बाती तौर पे मतवाजन नहीं होते। वो एक टाइम पे आपको बहुत खुश लगते हैं और अगले ही लम्हे वो आपको बहुत उदास नज़र आएंगे। बहुत जो है वो अजीबोगरीब किस्म का उनका मूड जो होगा, वो उदासी की वजह आपको पता भी नहीं होगी, मगर वो उदास हुए हुए होंगे। उनका ये एकदम से खुश हो जाना जो है और फिर एकदम से उदास हो जाना जो है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। मगर वो अपने इस इमोशनल जो चेंज है, जो कि उतराव चढ़ाव है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल वो नहीं रख पाते। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लोग जो हैं, उनके रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। यानी वो ताल्लुकात में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बहुत इमोशनल इंटेंस जो हैं उनको इन्वॉल्वमेंट होती है उनके अपने रिलेशनशिप में, और उनको खौफ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं लोग उनको छोड़ के ना चले जाएँ, वो कहीं अकेले और तन्हा ना रह जाएँ। ये खौफ उनको बहुत ज़्यादा होता है, और इस खौफ को ख़त्म करने के लिए वो तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए। और समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लोग जो हैं वो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, दूसरों के साथ अपने ताल्लुक को अच्छा साबित करने के लिए, वो सेल्फ हार्मिंग की तरफ भी जाते हैं। यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को कट्स लगाते हुए हमें इस तरह के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरों को जो है इस तरह की ब्लैकमेलिंग करना भी हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी वो खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे, अपने आप को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा लेंगे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो है हमें बहुत ही कॉमन इन लोगों में नज़र आती है। ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी एक चीज़ में, एक जगह पर टिक के काम जो है वो नहीं कर पाते, बिकॉज उनका इमोशनली जो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, और ना ही उनकी जो है फंक्शनैलिटी जो है डे टू डे काम करने वाली उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। सो उनका जॉब शिफ्ट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, एक जॉब से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जा रहे होते हैं। और समटाइम्स जो है हमें ये इन लोगों में इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अल्टीमेटली दूसरे जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो उनका भी शिकार होना शुरू हो जाती है। मे बी इन लोगों में ड्रग अब्यूज़ जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए, डिप्रेशन की तरफ जो है ये लोग ज़्यादा जाना शुरू हो जाए, या किसी और मेंटल हेल्थ आर्जे में जो है ये उसका शिकार जो है वो हो सकते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के लोग जो हैं इनके साथ रहना मुश्किल है, चैलेंजिंग है, मगर अगर टाइमली लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि कोई इंसान जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ है, वो एकदम से उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है, कभी वो गुस्से में आ जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो उदास हो जाता है, यानी एक ही मिनट में अभी खुश थे, अभी उदास हो गए, अभी गुस्से में आ गए। सो अगर इस तरह के मूड वेरिएशन आ रहे हैं और हमें नज़र आता है कि कोई इंसान जो है हमें धमकियाँ दे रहा है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि वो मर जाएगा, मार देगा, अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा, कोई नुकसान पहुंचा लेगा, तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन इस चीज़ की हैं कि वो बंदा जो है हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए, हमारा प्यार हासिल करने के लिए, हमें हासिल करने के लिए, हमें अपने पास रखने के लिए ये सारे हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इस किस्म के लोग जो हैं वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के शिकार होते हैं।
अगर टाइमली इन लोगों के बारे में पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो इन लोगों को हेल्प किया जा सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के लिए हेल्प जो है आप खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनको हेल्प देने के लिए आपको खुद भी ये सीखना पड़ता है कि आप किस तरह से इस तरह के लोगों के साथ डील करेंगे, तो जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है आप इन लोगों के साथ रह सकते हैं।